हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी, और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर चैप्टर के अंदर टेफ्लॉन एंड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टेफ्लॉन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसका मोनोमर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इनके यूजेस क्या होंगे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को और हम क्या कह सकते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, शॉर्ट में बोलेंगे PTFE। अब इसका मोनोमर क्या होता है, व्हाट विल बी द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, तो हमने आपको पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहे हैं कि इसमें जो टर्म पॉली जुड़ा होता है, इस पॉली टर्म को अगर हटा देंगे तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो इसका मोनोमर होगा। मतलब इसका मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन इसका मोनोमर होगा। अब व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2। सपोज वी टेक एन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर, जैसा कि हम पहले पॉलीथीन में पढ़ चुके हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे मोनोमर के, तो यहाँ पर हमने एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब इन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये जो CF2 डबल बॉन्ड CF2 के बीच का डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ब्रेक होता था और यहाँ पर एक एक बॉन्ड बन जाता था। एंड लेकर के हम इसकी रिपीटिंग यूनिट्स को यूज करेंगे, और रिपीटिंग यूनिट्स को यूज करेंगे तो रिपीटिंग यूनिट्स को यूज करने से पहले हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है कि ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर पर। तो ऑक्सीजन कैटलिस्ट लेंगे और हाई प्रेशर लेंगे तब ये रिएक्शन होगी, और व्हेन सच मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जब ये रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन करेंगी तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसको हम लोग टेफ्लॉन भी बोल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो इसकी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये केमिकली इनर्ट पॉलीमर होता है। क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकली इनर्ट पॉलीमर, तो उसका एग्जाम्पल है टेफ्लॉन या पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूज एज कोटिंग फॉर कुकिंग पैन, जो कुकिंग पैन होते हैं उनमें नीचे जो कोटिंग होती है उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऑयल सील्स में इसका यूज किया जा सकता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। गैस्केट्स में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके यूज क्या क्या हो गए, कुकिंग पैन को कोट करने में और ऑयल सील्स को बनाने में गैस्केट्स में इसका यूज किया जाता है। आइए अब देखते हैं पेन पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, इसके कई नाम होते हैं। दूसरा इसका नाम हो सकता है ऑरलॉन, और तीसरा इसका नाम हो सकता है एक्रिलॉन। ऑरलॉन और एक्रिलॉन पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं PAN, इसके नाम है। व्हाट विल बी द मोनोमर ऑफ ऑरलॉन, ऑरलॉन का मोनोमर क्या हो सकता है, तो इसमें भी पॉली हटाइए तो मोनोमर मिलेगा आपको अक्राइलोनाइट्राइल, तो इसका मोनोमर होगा अक्राइलोनाइट्राइल। तो अक्राइलोनाइट्राइल का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये अक्राइलोनाइट्राइल का मॉलिकुलर फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेंगे, सपोज एन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर कंबाइन। अब ये एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो किस तरीके से कंबाइन करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है वो किस तरीके से ब्रेक होता है, आप पीछे देखते चले आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, और एन रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग लेंगे। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब ये एन रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन की और कंबाइन करके इस तरीके से आपका बना पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में पेन बोला है। इसी का दूसरा नाम ऑरलॉन होता है और इसी का तीसरा नाम एक्रिलॉन होता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन कारपेट्स एंड ब्लैंकेट, कारपेट्स और ब्लैंकेट्स में जो वूल यूज की जाती है उसके सब्स्टिट्यूट की तरह पॉली अक्राइलोनाइट्राइल का यूज किया जाता है, आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप दूसरे डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं, इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। आइए अब इन पर बनने वाले MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या क्या MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, ऑयल सील्स एंड ऑयल गैस्केट्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ईथीन, सेकेंड ऑप्शन HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, एंड डी है आपका
टेफ्लॉन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। आईसीस और आयल गैसकेट सभी आपने किसके बनाए थे, तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज, आपको पता होगा कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, पेन, टेट्राफ्लोरोथाइलीन, अक्राइलोनाइट्राइल, नन ऑफ दीज। सबको पता होगा कि इसमें से पॉली हटा देंगे तो टेट्राफ्लोरोथाइलीन जो होगा इसका मोनोमर होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, मोनोमर ऑफ ऑर्लान इज, ऑर्लान किसका नाम है, एक्रिलान इसी का नाम होता है और पॉली अक्राइलोनाइट्राइल भी इसी का नाम होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते चले आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अक्रिलान, सेकेंड ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोथाइलीन, थर्ड ऑप्शन है अक्राइलोनाइट्राइल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्लान का आंसर क्या होगा, अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल इज आल्सो कॉल्ड एज, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल को और क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ऑर्लान, सेकेंड ऑप्शन एक्रिलान, थर्ड ऑप्शन पेन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जैसा कि आप जानते हैं ये तीनों नाम जो दिए हैं ऑर्लान, एक्रिलान, पेन, ये सब इसके नाम है पॉली अक्राइलो नाइट्राइल के नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये थे हमारे इस पर बनने वाले MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।